हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर के पेपर 8 के बारे में, असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में बीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 शेयर कर चुकी। पेपर 4 के जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। पेपर 5th A, 5th B, 6th A, 6th B, 7th A एंड 7th B, ये सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो आज बारी है पेपर 8 की, और जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो सारे आपको प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएंगे। तो जो भी आपका कोर्स कंटेंट है उसकी प्लेलिस्ट पर जाकर आप ज़रूर देखें और उनको ज़रूर पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पेपर 8 है, असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। 3 घंटे का पेपर होता है ये, 100 मार्क्स का होता है जिसमें 80 मार्क्स की थ्योरी होती है और 20 मार्क्स के इसमें इंटरनल होते हैं। एग्जाम में आपके टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन उसमें आपका कंपलसरी होता है। बाकी का आपको हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन पिक करना होता है। तो देख लेते हैं इसका यूनिट 1। सबसे पहले यूनिट 1 में आपको सबसे पहले दिया हुआ है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस नीड्स एंड स्ट्रेटजीज। तो इसके अंदर आपको नीड फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस करना है। नेक्स्ट है आपका ओवरव्यू टू बिहेवियरल एंड ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स इन स्क्रीनिंग फॉर हियरिंग लॉस। नेक्स्ट है आपका टीम मेंबर इन्वॉल्व्ड इन हियरिंग स्क्रीनिंग एंड देयर रोल। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ चेकलिस्ट एंड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस बाय स्कूल टीचर्स। नेक्स्ट है आपका रेफरल ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हियरिंग लॉस। नेक्स्ट आपका आता है ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट। तो ये आपका ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन के अंदर आपको साउंड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स एट्रीब्यूट्स कॉन्सेप्ट ऑफ DBHL वर्सेस DBSPL करना है। नेक्स्ट आपका ऑडिटरी माइलस्टोन्स इन टिपिकल चिल्ड्रन 0 to 2 years। इसके बाद है असेसमेंट एंड मैथड्स ऑफ असेसमेंट्स, जिसके अंदर आपका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ओरिएंटेशन दिस टेस्ट एंड देयर इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट है आपका ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर के अंदर आपका ब्लॉक डायग्राम पार्ट्स एंड यूज टाइप्स ऑफ ऑडियोमेट्री, रोल ऑफ स्पेशल एडुकेटर इन कंडीशनिंग फॉर प्योर टोन ऑडियोमेट्री। नेक्स्ट है आपका ऑडियोग्राम, इसके अंदर आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियोग्राम एंड इट्स इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट आपका आता है 2.5 कॉन्सेप्ट ऑफ अनएडिड एडिड ऑडियोग्राम्स स्पीच स्पेक्ट्रम एंड इट्स एप्लीकेशंस। यूनिट 2 है आपके असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर है आपका कम्युनिकेशन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स करना है। नेक्स्ट है आपका रिसिप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंटल माइलस्टोन इन टिपिकली ग्रोन चिल्ड्रन, इम्पैक्ट ऑफ डीफनेस ऑन कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज विद रेफरेंस टू क्लिनिकल इन्वायरमेंटल अप्रोच एंड फैक्टर्स। नेक्स्ट है आपका असेसिंग कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। तो ये आपका यूनिट 2 था। इसके बाद यूनिट 3 है आपका असेसमेंट ऑफ स्पीच। तो इसके अंदर है आपका रेस्पिरेशन एंड फोनेशन। नेक्स्ट है आपका बेसिक ऑफ आर्टिकुलेशन एंड फोनोलॉजी। तो देखिए जो बेसिकली टॉपिक है ना, इनके बारे में आपको सारा कुछ इसमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट है आपका सुप्रा सेगमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच एंड इट्स असेसमेंट। नेक्स्ट इज माइलस्टोन ऑफ स्पीच डेवलपमेंट इन टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आपका स्पीच इंटेलिजिबिलिटी कॉन्सेप्ट फैक्टर्स एंड असेसमेंट। इसके बाद यूनिट 4 है। यूनिट 4 के अंदर है आपका एजुकेशनल असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। तो इसमें आपका एजुकेशनल असेसमेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एजुकेशनल परफॉर्मेंस है जिसमें इंडिविजुअल फैमिली एंड एनवायरनमेंट आता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स। नेक्स्ट है आपका टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट। नेक्स्ट इज करंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन असेसमेंट। तो इसके अंदर आपका है इंडिपेंडेंट ड्यूअल पर्पस एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव एंड अडॉप्टेशन। तो ये सारा आपका यूनिट 4 का सिलेबस है। और देखिए जो भी आपका टॉपिक होगा ना, उसके बारे में आपको सारा कुछ इसमें पढ़ना होता है। तो अपने एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि सिलेबस इसीलिए होता है ताकि आपको पता रहे कि आपके पेपर में क्या आने वाला है,
क्योंकि समटाइम्स बुक में सारा कंटेंट नहीं दिया होता, तो आप उसको गूगल से सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे साथ आप बने रहिए, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटिए। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।